एक जमाना था जब साला हम ह्यूमन लोगों को सर्वाइव करने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता था, और एक आज का टाइम है साला रोटी कपड़ा मकान लफड़ा सुट्टा दारू चकना फोन इंटरनेट बिटकॉइन सब चाहिए लोगों को आजकल। अरे भाई फैशन को मेंशन करना भूल गए। फैशन तो मेन है रे बाप। साला प्रियंका चोपड़ा के फैशन मूवी का जितना बजट नहीं था ना, उससे दुगना बजट तो आजकल इंस्टाग्राम मॉडल अपने एक ड्रेस पे लुटा देती है। अब इसको ही देख लो। हाँ तू भोकले पहले हरामी साले कुत्तों की जिंदगी। तो लेडीज एंड लेडाज इनसे मिलिए। इस मोहतरमा का नाम है उल्टी जावेद। अरे भाई उल्टी नहीं, उर्फी जावेद। अच्छा उर्फी जावेद है? नहीं इसकी फैशन सेंस देख के मुझे उल्टी आ गई थी, इसीलिए मुझे लगा कि उल्टी जावेद होगी। बहुत खराब जोक था। हाँ हाँ जोक तो खराब ही था, लेकिन इसका फैशन कौन सा अच्छा है बे? साला फैशन के नाम पे कपड़े तो ऐसे पहनती है जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री में कॉटन का सूखा पड़ा हो। साला ऐसे कपड़े कौन पहनता है भाई? ये पक्या इसकी मुंडी उल्टी पुल्टी हो गई रे। ए, इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है। साला अपने मार्तन के पीछे तो गुंडे लगे थे, इसलिए उसने घाई घाई में ऐसी उल्टी शर्ट पहनी। लेकिन तेरे को क्या मजबूरी थी बहन जो ऐसी मुंडी उल्टी पुल्टी करके फोटोशूट करवाना पड़ा? ऐसा गलत काम ना करना जी। साला शर्ट पहनते टाइम अगर हम लोगों के बटन भी ऊपर नीचे लगे ना, तो हम लोग पूरी बटन खोल के उसे ठीक करके वापिस से लगाते है। और एक ये मोहतरमा है जिसने पूरी की पूरी शर्ट उल्टी पहनी तो पहनी, लेकिन साला एक बटन भी नहीं लगाया बे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। नहीं मतलब दीदी, ऐसे कौन से लैक में फैशन वीक में जाने के लिए प्रिपेयर हो रही हो आप, जहाँ ऐसे उल्टी पुल्टी शर्ट पहनने को फैशन माना जा रहा है? साला फैशन तो छोड़ो, इसका पीठ कौन सा और पेट कौन सा वो भी समझ नहीं आ रहा। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you do out there? Pretend? Fake it? Yeah. I mean, why not? It's either that or cry myself to sleep. Who wants to do that? क्या मायला ये फैशन है या फोड़नी का बात है बे? क्या है ये? दीदी आप ये ऐसे ड्रेस खुद फाड़ती हो या अलग से कोई मनीष मल्होत्रा ने जॉब से निकाला हुआ डिजाइनर रखा है तुमने? अबे क्या पहना ये? I don't know. साला ऐसे फाट के कपड़े हम लोग शेम्बूर पोषने के लिए यूज करते हैं, और ये दीदी है कि ऐसे फाट की बोंदरी को एज अ फैशन यूज कर रही है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे को जब टीचर ने स्कूल में एक बार पीटा था ना, तब भी साला मेरे इतने कपड़े नहीं फटे थे जितने इस दीदी के फटे हुए हैं। अरे दीदी ये कपड़े पहनने से पहले क्या पौवा बीवा चढ़ा के रखा था क्या? गेतली का है? वाइन पी रही थी। And I finished 2 bottles. क्या मायला ये दीदी तो बेवड़ी निकली बे। साला दो दो बॉटल घटक ली, वो भी वाइन की। वाइन पी रही थी। And I finished 2 bottles. दीदी माना कि वाइन हमारे स्किन के लिए अच्छी होती है, लेकिन दो दो बॉटल कौन ठूसता है भाई? अरे वाइन पिया करो, रोज पिया करो, लेकिन उसकी क्वांटिटी ना कप सिरप जितनी लिया करो, तब जाके वो स्किन के लिए थोड़ी अच्छी होती है। ऐसे बेवड़े जैसे दो दो बॉटल एक साथ घटकने से स्किन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाइन पी रही थी। And I finished 2 bottles. अरे भाई आप भी रोज वाइन पिया करो, क्या पता आपकी स्किन भी अमावस की रात से पूनम का चांद बन जाए। अबे और ऐसी चुप कर हरामी। अरे यार दीदी आप देखा, इसीलिए फाट के दुट के कपड़े पहना नहीं करते। साला कपड़े ठीक करने के लिए भी खुद का एक पर्सनल मैकेनिक रखना पड़ता है। आप भी ठीक करके देता हूँ। वैसे दीदी आप ऐसे फाट के टूट के कपड़े पहन के फैशन करती हो, तो अगर आपको कभी मेड गाला से ऑफर आए तो क्या जाओगी आप? यार ऑफर किया जाएगा तो फिर तो मैं शाहरुख खान के साथ मूवी भी कर लूं। नहीं माना कि शाहरुख भाई की 4 साल से कोई मूवी नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिन इतने खराब आ चुके हैं। शाहरुख खान के साथ मूवी भी कर लूं। वाट बगा हा? बढ़ने से पहले बात करते हैं एक वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है हैप्पी स्टार। हैप्पी स्टार में आप अपने फेवरेट गेम्स में प्रिडिक्ट करके पैसे जीत सकते हो, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी एंड मेनी मोर। यहाँ पे आपको एडिट बेट और कैचर जैसे स्पेशल स्पोर्ट बुक फीचर्स भी मिल जाते हैं, और यहाँ डिपॉजिट करना भी इजी है। आप UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड, वॉलेट किसी के भी थ्रू बड़ी इजीली डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 120% स्पोर्ट बुक वेलकम बोनस मिलता है, सेकंड डिपॉजिट पे 75% बोनस एंड थर्ड डिपॉजिट पे 50% बोनस मिलता है, और किसी भी एक प्रोडक्ट पे आपको 5% तक का डेली रिलोड बोनस भी मिल जाता है। और यहाँ पे जीते हुए पैसे आप बड़ी इजीली UPI के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉल कर सकते हो। तो देर किस बात की, जाओ हैप्पी स्टार की लिंक पिन कमेंट में है, डाउनलोड कर लो। ये बात इसको बोलते हैं मच्छरदानी छाप फैशन। अरे भाई मच्छरदानी नहीं, ये तो मछली पकड़ने की जाली है। ओहो हो, तो लिटिल मरमेड बनी घूम रही है।
ये जलपरी है? नहीं जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। ये इसे मछली का जाला पहनने से अगर कोई जलपरी लगती ना तो आज साला हर मॉडल मुंबई के मच्छी मार्केट के पास जाके फोटो शूट करवा लेती। बात तो सही है। मुझे साला एक बात समझ नहीं आती, लोग अपने वीडियो में मिडल फिंगर दिखा के क्या क्या साबित क्या करते रहते हैं। अरे मिडल फिंगर का यूज करना ही है तो नाक से मेकुल निकालने के लिए करो ना, ऐसे दूसरों को पोक करने के लिए क्यों किया करते हो बे। और ऊपर से अमेरिका वाले साला अगर कोई मिडल फिंगर दिखाए तो उसको ब्लर कर देते हैं। अरे कुछ ब्लर करना ही है तो जापानीज वालों से सीखो ना, उनको अच्छे से पता रहता है कि क्या ब्लर करना चाहिए और क्या नहीं। लियो साला वापिस से शर्ट उल्टी पहनी इसने, कैसे होना रे बाबा। अरे दीदी को कोई समझाओ रे, शर्ट को सीधा पहना जाता है उल्टा नहीं। कोई तो रोक लो। इसकी ऐसी ऐसी हरकत देख के एक दिन साला मनीष मल्होत्रा भी साला फैशन इंडस्ट्री से संन्यास ले लेगा। क्या महिला इसको ढंग से कुछ पहनना आता नहीं है क्या बे? शर्ट भी उल्टी पहनती है, कपड़े भी फटके दुटके पहनती है और अब साला साड़ी भी ऐसी पहनी है कि समझ ही नहीं आता कि पहनी भी है या नहीं। अरे उल्टी शर्ट पहन के शर्ट की इज्जत का भाजी वाला तो कर ही दिया, अब कम से कम साड़ी की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था ना। It's her choice. Okay. साला कितना भी कुछ बोलो लेकिन ये इंस्टा मॉडल फैशन के नाम पे फैशन का फालूदाई करके रहेगी। वेरी गुड टाइमिंग रॉबर्ट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ हैप्पी स्टार की लिंक पिन कमेंट में है तो जरूर डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।